चिकन लवर को चिकन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना। संजना की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूं बिल्कुल अलग तरह की चिकन की रेसिपी, जो है भुजिंग चिकन करी। तो हम रेसिपी बनाना शुरू करें उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भुजिंग चिकन करी की रेसिपी। तो चिकन बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 केजी चिकन, और ये है भुजिंग चिकन। भुजिंग चिकन का मतलब होता है कि जो चिकन का जो दुकान होता है, जो दुकानदार होता है, वो क्या करता है, ये स्किन के साथ चिकन को आग पे भून देता है और उसके बाद उसकी पीसेस करके देता है। और चिकन को घर पे लाने के बाद हमने एक पानी से इसको क्लीन कर लिया है। इसको ज़्यादा धोना नहीं है क्योंकि ये आधा पक चुका है ऑलरेडी। और ये महाराष्ट्र में ऐसे ही होता है और लोग ऐसा चिकन बहुत ही पसंद करते हैं खाना। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ भुजिंग चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, और गर्म होने के बाद उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो तेल जो है गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे जीरा, अदरक, लहसुन, और इन सबको हम हल्का ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए, अदरक लहसुन जो है ब्राउन हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम ब्राउन कर लेंगे। और अभी हम गैस को कम कर देते हैं और कम तवे पे ही इसको ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए, प्याज, अदरक, लहसुन सब जो है अच्छे से ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे सूखा हुआ नारियल, और इसको भी हम हल्का ब्राउन करेंगे। सूखा हुआ नारियल का बुरादा आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब भुना गया है, और इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो हम कढ़ाई में अब हम डालेंगे तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे तेजपत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च, और इन सबको हम थोड़ा चटकने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छे से। तो ये देखिए, प्याज जो है लाल हो गया है अच्छे से, और इसमें हम डाल देंगे चिकन, और चिकन को हाई फ्लेम पे थोड़ा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, चिकन जो है भुना गया है, ये ऑलरेडी भुनाया हुआ चिकन आया है, इसमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है। और हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इन सबको अब हम हल्का सा भून लेंगे। तो मसाला जो है हल्का भुना चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला, और इसी के साथ हम डाल देंगे चिकन मसाला। अब इन सबको बढ़िया से भूनना है तेल अलग होने तक। ये देखिए, चिकन जो है भुना चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और इसको 2 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए, ये भुना गया है अच्छे से, और इसमें हम डाल देंगे पानी, और इसको मिक्स कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत हो उतना ही पानी डालिए। तो अब हम इसको ढक देंगे, और ढक के इसको पकने देंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, चिकन जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया का पत्ता बारीक कटा हुआ। भुजिंग चिकन करी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी या चावल के साथ,
और एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।